तो दोस्तों देखिए, मैंने हंडियों की ये तो बहुत बनाई है, आपको मैंने दिखाया बहुत बार, लेकिन अब जब मेरे पास फालतू पड़ी होती हैं तो मैं इनका कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए मैं इसके कलर कर रही हूँ इसको। इसमें मैंने वाइट और पिंक मिलाया है। ये देखिए, ये रेड कलर है और ये वाइट है, ये ऑयल पेंट है। तो इसको दोनों को मिक्स करके मैंने ये कलर बनाया है। और देखिए इसको मैं अभी तैयार करूँगी, तैयार करके मैं आपको दिखाऊँगी। ये दो मैंने कैने काटी तेल की, ये पुरानी कैन है मेरे पास पड़ी हुई और ये नई है। मैंने कैनों के भी बहुत बना रखे और अब फिर मैं बना रही हूँ, मैं बनाती ही रहती हूँ, मुझे पसंद है। तो ये देखिए मैं इसके इस्तेमाल करूँगी और इसका यूज़ बहुत अच्छा होता है। हर इसमें एक तो मिट्टी की होती है हंडिया, तो इसमें पौधा बहुत अच्छा उगता है। और इसको मैं ये बना के अभी दिखाऊंगी आपको। देखिए दोस्तों, ये मैंने ये कैनों की बनाई है और आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ख़ूब नंबर देना मुझे इस पर, कमेंट करना, शेयर करना और मुझे खूब अच्छा कमेंट करना, मेरा साथ देना दोस्तों इस पर। कैसा लग रहा है फाइनल रुक और दिखाऊंगी आपको। देखिए दोस्तों, बताना ज़रूर। देखिए ये मेरे पास दो गमलों में रखे थे, अब विंटर का समय आ रहा है तो मुझे किले के मेरे पास वो हैं मिट्टी के गमले, वो मुझे ज़रूर चाहिए होते हैं विंटर के पौधों के लिए। तो देखिए मैंने ये दो प्लांटर बनाए और इसमें ये दोनों ऐसे करके लगा दिए। देखिए दोस्तों कैसे लग रहे हैं, देखिए। और एक मैंने ये बनाया और एक में लगा दिया मैंने, एक ये बनाया, एक ये बनाया, इसमें लगा दिया मैंने पर्सलेन। फूल खूब आ रहे हैं, बहुत माशाल्लाह से अच्छे आ रहे हैं। इसमें लगा दिया मैंने पर्सलेन। और देखिए दोस्तों ये मैंने लोहे के हैं मेरे पास, ये वहाँ से लाई थी नर्सरी से, उसमें मैंने कलर कर दिया। कैसा लग रहा कलर बताना ज़रूर। तो दोस्तों देखिए ये मेरे दो ये हैं और अभी मैं और आपको दिखाऊँगी, मैंने कई प्लांटर बनाए। तो देखिए दोस्तों कैसे लग रहा है, अभी मैं इन्हें अपनी जगह पर रखूँगी, देखिएगा बताना। और दोस्तों देखिए ये मैंने, देखिए मैं किसी के उससे नहीं रखती हूँ, ये मैंने अपने दिमाग से रखे थे कि कोकोपीट जब इसकी बनती है और इससे काम में आती है तो मैंने सोचा कि इसको ड्रेनेज होल के लिए अगर यूज़ किया जाए तो इसकी जड़ जो है इसमें जल्दी पकड़ेगी, तो इसलिए मैं इसलिए रखती हूँ ये इसे। तो देखिए दोस्तों मैं ये छोटा सा जो पौधा है, ये बहुत छोटा सा, देखिए ये छोटी छोटी बोतलों में मैं ऐसे कटिंग लगाती हूँ और ये मेरी बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से चलते हैं, पर मैं इसे थोड़ा बड़ा करना चाहती हूँ। जो मेरा बड़ा पेड़ था वो किसी ने ले लिया, मैंने यानी कि बेच दिया, लियो। तो दोस्तों देखिए मैं कैसे ये लगा रही हूँ इसके अंदर। ये बड़ा ये प्लास्टिक का है, इसमें ये कैन थी ये भी, इसको मैंने कलर कर लिया था। अब इसमें मैं ये पौधा लगा रही हूँ। सूखी मिट्टी है तो इस वजह से इसमें जो है धूल बहुत उड़ रही है। ये बनी हुई मिट्टी मेरे पास रखी रहती है। और देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों मैं ये इसमें से निकाल लूँगी, आराम से निकल जाएगा इसमें। देखिए ये इसमें मिट्टी है, ये इसकी जड़ें हैं दोस्तों। और देखिए ये तो दोस्तों देखिए मैं इसमें अब लगा रही हूँ पानी, देखिए। और इसमें भी डालूँगी पानी और इसमें भी डालूँगी पानी। तो दोस्तों देखिए मैंने ये तीन प्लांटर तैयार किए हैं, चौथा ये किया है। ये मैंने इसमें से प्याले में से निकाल के और मैंने इसमें लगा दिया है। और अब मैं इसमें भी लगाऊंगी ये वाला प्लांट। विंटर की तैयारी हो रही है ज़ोर शोर से हमारे यहाँ। तो देखिए दोस्तों मिट्टी तो बहुत है मेरे पास। दोस्तों देखिए जो मैंने प्लांटर बनाए थे आपको मैंने ये दिखाया, ये गमलों में से निकाल के मैंने ये लगा दिए हैं इसमें। और ये मैंने एक इसमें नया कप में प्लांट लगा दिया है। ये देखिए ये मेरी पुरानी बढ़नी थी
उसमें मैंने ये लगा दिया है, और ये मैंने बनाया है एक मोटो ये है क्या कहते हैं बच्चे डोरोमन। देखिए बच्चे डोरोमन, एक मैंने ये डोरोमन बनाया और इसमें ये लगा दिया है देखिए। और देखिए दोस्तों ये भी मेरा पुराना है ना, इसको मैंने कलर किया था, ये मैंने मटकी नई बनाई है। और देखिए इसमें ये मैंने चैन प्लांट लगा दिया है, और मैंने एक मटकी में, तो ये भी पुरानी मटकी है, इसमें मैंने लगा दिया है वो सिंगोनियम छोटे पत्तों वाला। और ये देखिए ये मेरी बढ़नी है, इसमें ही मैंने ये प्लांट लगा दिया है। तो देखिए अगर आप छोटे से छोटे गमलों में भी लगाएंगे तो बहुत अच्छे मेरे ये प्लांट चलते हैं। देखिए इसमें मैंने अभी कटिंग लगाई है, इसमें मैंने ये लगाया है, और ये मैंने कलर किया है एक डिब्बा, और ये मटकी ये कलर की है, ये अभी मैंने इसमें कुछ लगाया नहीं है। तो ये मेरे पास छोटा सा पड़ा था, इसमें मैंने ये कटिंग लगा दी है, हो गई है इसमें। और दोस्तों ये मेरे ये मैंने नए बनाए हैं, ये डोरेमोन नए बनाया है। तो दोस्तों देखिए मैं आपको अपना ओवरव्यू दूंगी किसी दिन, अभी मेरे पास मजदूर नहीं है, तो मेरे कुछ ऐसा हो रहा है बहुत ज़्यादा गड़बड़ इसकी वजह से। और मेरे यहाँ प्लांट हैं बहुत बहुत प्लांट हैं मेरे यहाँ। तो ये मैंने अभी आपको एक ही तरफ का दिखाया है, और यहाँ ये मेरी सारी कटिंगें लगी हुई हैं, मुझे इनको सबको रिपोर्ट करना है चैन प्लांट की, जो मुझे बेचना है। और दोस्तों खुशी की बात बताऊं कि मैंने 2000 के पेड़ पौधे अपने बेच दिए हैं, तो मुझे 2 स्टैंड और बनवाना है, और फिर जब वो आ जाएंगे एक मज़दूर को बुला के मैं ये सब आपको क्रेविटी अपनी इकट्ठी करके और सही से दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है, तो आप लोग मुझे सहानुभूति दीजिए और मेरा काम आसान हो जाएगा। तो देखिए हाँ एक ये है, ये प्लांटर बनाया है, इसमें मैंने अभी इस वक्त बोतल रख दी है, बहुत वज़न है इस बच्ची के ऊपर अभी। तो देखिए पसंद आए तो कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। 1 साल हो गया है, 641 ही हुए हैं सब्सक्राइबर, और जबकि इतना बड़ा देश है हमारा, और लोगों के 12,000 15,000 एक एक साल में हो जाते हैं, लेकिन मिलियनों में हो जाते हैं एक साल में, लेकिन पता नहीं क्यों, पता नहीं हमारा नसीबी भाई खोटा है जाने क्या। तो दुआ करते हैं कि आप लोग भी हमारे लिए दुआ करिए कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, और हम आपको ऐसी नई नई वीडियो ला के दिखाते रहें। थैंक यू।